हेलो एवरीवन, सभी को मेरी आवाज आ रही है बराबर? चैट बॉक्स में बताते जाइए। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर दीपेश मेघवानी, मैं आप सभी के साथ 11:30 से 5:30 अवेलेबल रहता हूँ। एंड हम अभी तक हम लोग काफी काफी लोगों को फायदा पहुंचा चुके हैं आप लोगों के थ्रू। और जैसे लास्ट टाइम हमने आर्थराइटिस का सेशन उठाया था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं फिर से एक बार उसको रीस्टार्ट करता हूँ कि हम तीन चीजें देखते हैं आर्थराइटिस में मोस्टली। एक ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसको हम संधिवात बोलते हैं, है ना, जिसमें यूजुअली आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपके घुटने का जो तेल है या घुटने का जो लुब्रिकेशन है वो खत्म हो गया है। दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको यूजुअली गठियावाद बोलते हैं, जिसमें वो आपको ऑपरेशन की सलाह नहीं देते हैं, बट दवाई खाते रहने बोलते हैं। अभी जो कुछ डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद में जाने की सलाह देते हैं। एक होता है गाउटी आर्थराइटिस, जिसको गठियावाद और संधिवाद के बीच का माना जाता है, वो आपके पैर से स्टार्ट होता है। तो हम इन तीनों के साइड बाई साइड सिम्टम्स देखेंगे एंड देन उसमें हमको क्या ट्रीटमेंट करना है डे जो आए में और क्या डाइट चलानी रहती है, हम वो देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे संधिवात। ये स्क्रीन क्लियर है आप सभी को? थैंक यू। देखिए, जब भी हम संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ घुटनों में ही होगा, ये एक्चुअली घुटने का ही इमेज है, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा देखा जाता है वो घुटनों में ही देखा जाता है। इसलिए हम घुटने से ही बेसिक, वो आप कमर में भी हो सकता है, एंकल में भी हो सकता है, शोल्डर्स में भी हो सकता है, डिपेंड करता है, बट 80% टाइम हमको घुटने में ही देखने मिलता है। इससे काफी सारे कारण आते हैं। मोस्टली कारण ये रहता है कि जो लोग रनिंग करते हैं या जिनका वजन ज्यादा है या जो ज्यादा खड़े होकर काम करते हैं, उनको ये होता ही है। एक टाइम पीरियड के बाद, लाइक 45-50 के बाद में भी ये घुटनों की परेशानी स्टार्ट हो ही जाती है, राइट? तो ये चीजें हमको ध्यान देनी होती है कि हमको ये पता रहना चाहिए कि संधिवात के सिम्टम्स कैसे आएंगे या गठियावाद के सिम्टम्स कैसे आएंगे या गाउट है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके सिम्टम्स कैसे आएंगे। तो मैं पहले संधिवात में डिस्कस करता हूँ। संधिवात में मोस्टली आपको एक ही ज्वाइंट इफेक्टेड मिलेगा, वो हमेशा एक ही घुटना, जैसे मेरा वो स्पेसिफिक करके बताएगा मेरे को लेफ्ट घुटने में ही तकलीफ है, मेरे को राइट घुटने में ही तकलीफ है, और उसी की तकलीफ में वो बना रहता है। दूसरी बात, वो ये भी बोलेगा कि वो कट कट करके आवाज आती है। आप पूछेंगे जब दर्द तब रहता है, वो दिन भर दर्द रहता है, उनको चलने फिरने में दर्द देता है और आराम करने में कम हो जाता है ये दर्द। ये संधिवात का दर्द रहता है। इसमें टिपिकली जैसा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये दो बोन्स है, ऊपर की बोन है फीमर, ये नीचे की है टीबिया। तो इन दोनों के बीच में जो ये मेनिस्कस और आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डैमेज हो गया। आप बगल वाले इसमें देखेंगे तो बोन स्पर्स आ गए हैं, कार्टिलेज लॉस दिखा रहा है, ज्वाइंट स्पेस नैरोइंग। तो कुल मिला के ऐसा रहता है, हम ऐसा ऐसा मूवमेंट लेते हैं इससे, ये ऐसा मूवमेंट होता है। और जब ये इस जगह का जो गेप है वो जब कम हो जाता है, वहां का जो लुब्रिकेशन कम हो जाता है, तब संधिवात होता है। इसका एकदम टिपिकल और आसान उदाहरण देखेंगे आपके घर के दरवाजों में। आप जब घर के दरवाजे में जब आप देखेंगे ना कि तेल कम हो रहा है, तो वो ची 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 आवाज करने लगता है। वैसे ही जब संधिवात होता है ना किसी की बॉडी में, मोस्टली घुटनों में, तब वो कट 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 की आवाज करने लगते हैं। तब हम एक्सरे वगैरह कराते हैं तो ये पूरी दोनों हड्डियां हमको मिली हुई मिलती हैं और डॉक्टर हमको ऑपरेशन करने की सलाह देता है। तो उसमें हम इसमें इसका इलाज हम कैसे करेंगे, इसका हम डेजो में कैसा इलाज करेंगे, हम डेजो में इसके लिए हमारे पास काफी अच्छी टेक्निक्स बोलना चाहिए, काफी अच्छी ट्रीटमेंट है। हम दो दो पैटर्न पे रहते हैं। जब एक मोटा पेशेंट है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, या एक पतला दुबला पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। जब मोटा पेशेंट है तो हम सबसे पहले उसको हमारा मेटाबॉलिक स्टेज 2 या स्टेज 3 प्रोटोकॉल चला करके उसको वजन कम करने की सलाह देंगे, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जब तक कि वो वजन उसका कम नहीं होगा ना, वो
मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी स्टेबल हो पाता है पेशेंट, क्योंकि तो क्या होता है, एक जैसे 100 किलो का वजन का कोई आपका पेशेंट है तो उसे घुटने में कम से कम 150-200 किलो वजन जा रहा होता है जब वो चलते हैं, तो यही मान के चलना चाहिए कि उस जब तक उसका वजन कम नहीं होगा वहां पर प्रेशर कम नहीं होगा, वहां पर प्रेशर कम नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए वो घुटना सेटल नहीं होने वाला है ना। तो सॉरी, सबसे पहले हमको यही करना है कि उसके वजन को कम करना है, जैसे जैसे ग्रेजुअली वजन कम होता जाता है फिर हम घुटने पर ध्यान देते हैं। कई बहुत बार क्या होता है, बहुत से डॉक्टर्स घुटने पर डायरेक्ट ध्यान देते हैं, वजन कम नहीं करते हैं, फिर ठीक तो होता है पेशेंट बट वापस बार बार रिकरेंस बना होता है, फिर वो शिकायत करते हैं कि जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक ठीक है, उसके बाद तकलीफ आ रही है। तो एक वजन कम करेंगे, मेटाबॉलिक स्टेज 2 स्टेज 3 चला गया, उसके बाद जब वो एक हेल्दी वजन में आ जाता है तब हम उनको दूसरा प्रोटोकॉल चालू करते हैं। तो दूसरा प्रोटोकॉल हमारा क्या है, जो कोई ओल्ड एज पेशेंट है 60-70 का पेशेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, या 40 पे है और वजन कम है और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या आपका कोई हेल्दी मोटू पेशेंट था उसको आपने कम वजन कम किया है, वजन वजन कम करने के बाद में ही जब आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक वजन है और उसके बाद में आपको जो प्रोटोकॉल चलाना है आप ये चलाएंगे, आप क्या करेंगे, लीवीज और अश्वगंधा खाने के पहले देंगे अगर मेल है, तो फीमेल है तो लीवीज और शतावरी देंगे खाना खाने के पहले, खाने के बाद देंगे HB+ और ऑर्थोफिक्स। मैं डोज इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी क्योंकि डोज आपकी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, अगर बहुत हेल्दी या वो ओवरवेट पेशेंट है तो हम थोड़ा हैवी डोज में जाते हैं, अगर नहीं तो नॉर्मल इसमें जाएंगे, है ना। लीविज और शतावरी फीमेल के लिए, लीविज और अश्वगंधा मेल के लिए खाने के पहले, खाने के बाद HB+ और ऑर्थोफिक्स, ये आपको दिन में 2 बार चलानी सभी चीजें। इसके बाद में शाम को आप ये चलाएंगे, हमारी जो कैल्शियम अभी आई है उस वो शाम को 6 बजे 2 गोली आप चलाएंगे, उससे क्या होगा जो भी ऑस्टियोपोरोसिस या बोलना चाहिए जो बोन्स में कमी आती है या खोखली हो जाती है बोन्स, जो बोन्स की क्षमता जब बढ़ाने की बात हो तब हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। तो आप शाम को 6 बजे जब 2 गोली कैल्शियम देंगे उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर 6 बजे ही क्यों, मैं शाम 8 बजे भी ले सकता हूँ, 10 बजे भी ले सकता हूँ, दोपहर 3 बजे भी ले सकता हूँ। इसके 2 कारण है, आयुर्वेद के हिसाब से जब आप 6 बजे, 6 बजे का जो समय रहता है वो वात का समय रहता है, वात के समय पर जब हम कैल्शियम जैसा कोई पदार्थ या कोई पार्थिव द्रव्य लेते हैं ना तो उसके रिजल्ट्स हमको काफी अच्छे मिलते हैं और इस कारण इसका सिंथेसिस भी अच्छा होता है, तो हमारा एक डोज में ही काम होने लगता है। तो 2 गोली आप जब 6 बजे देते हैं पेशेंट को काफी अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। इसके साथ में उनको क्या करना है, इनके साथ में घुटने में जो हमारा ऑर्थोफिक्स ऑयल है 100 ml वो, और 200-300 ml कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, अगर पेशेंट गर्म तासीर का है, बहुत जल्दी पेट में जलन होती है, गर्मी लग जाती है, तो उसको नारियल तेल में मिक्स करके देने बोले, और अगर नॉर्मल पेशेंट है तो तिल के तेल में मिक्स करके उसको दिन में 3-4-5 बार उसको बार बार लगाते रहने से धीरे 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 ल्यूब्रिकेशन होने लगता है और पर तेल अंदर जाने लगता है, इससे काफी अच्छे रिजल्ट आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में उनको क्या करना है, आपको उनको वॉक करने बोला है खाना खाने के बाद में, खाना खाने के बाद में वॉक कैसे करेंगे, 100 कदम सीधे जाएंगे 100 कदम पीछे आएंगे, है ना, टर्न नहीं करना है, 100 कदम सीधे आना 100 कदम पीछे आना, उससे क्या होता है फ्रिक्शन जो है ना बराबर मूवमेंट्स बने रहते हैं, एक साइड पे फ्रिक्शन नहीं होता है। दूसरी बात, जब आप पलट के पीछे देखते हैं, पलट के पीछे देखते हैं तो आप आपकी जो बॉडी स्ट्रेट पोस्चर में रहती है और वो उससे आपका पोस्चर मेंटेन होता है, घुटनों पर जोर भी कम आता है, ये कोई ऐसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है लेकिन बहुत बार लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और काफी अच्छे रिजल्ट्स बहुत सारे लोगों ने लिए और हम लोग भी अपने क्लिनिक्स में यही देते हैं कि आप जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आता है खाने के बाद 100 कदम चलने बोलते हैं, 100 कदम स्ट्रेट 100 कदम बैकवर्ड, तो दिन में वो 400 कदम ही चलता है, इसके बाद हम उसको और ज्यादा वॉक करने के लिए मना कर देते हैं कि इससे ज्यादा वॉक नहीं करनी है आपको। इसके बाद में और क्या हमको ध्यान देना होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में खान पान में काफी ध्यान देना होता है, जैसे कि उनको ज्यादा चने छोले राजमा ये सब चीजें खाने को मना करनी रहती है, इससे क्या होता है, इससे ड्राइनेस आती है, जो भी ड्राई चीजें जैसे चने हो गए छोले हो गए राजमा हो गए जो उनको भिगा के रखनी पड़ती है चीजें ना वो उनको अवॉइड करवानी रहती है, क्योंकि उससे ल्यूब्रिकेशन कम आता है। खाने में क्या ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, मुंगा ले सकते हैं, ड्रम स्टिक्स के जो वो स्टिक्स रहती है वो ले सकते हैं,
कमल का कंद रहता है, ढेंस बोलते हैं जिसको, वो ले सकते हैं। और इसके अलावा लौकी की जो फैमिली है, लौकी, करेला, कद्दू, तोरई, टिंडे, ये सब ले सकते हैं। इससे क्या होता है, वो डाइजेस्ट जल्दी होता है, उसका जो फाइबर है वो आपको मिलता है। और बाकी भिंडी वगैरह ले, भिंडी या ड्रम स्टिक वगैरह लेने से ना आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आवाज बराबर आ रही है ना आप लोगों को? ओके ओके, है ना, ये चीजें होती है। तो ऐसे करके ना आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने लेवल पे। इसके बाद में अगर स्टेज 3 स्टेज 4 में पेशेंट पहुंच गया और वो उसको एकदम ऑपरेशन करने या चल ही नहीं पा रहा है, तो आप मुझसे बात करिएगा, हम उसको मिलकर के ठीक करेंगे। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का पूरा प्रोटोकॉल ऐसे ही चलेगा। उनको बताना रहता है कि एक बार में ठीक नहीं होगा, हम कुछ काट पीट करके जोड़ तोड़ नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी को ही पुश कर रहे हैं ताकि वो और आगे बढ़े। देखिए 70 साल के बाद में वैसे भी ऑपरेशन नहीं नहीं सह पाती है बॉडी, लेकिन 70 साल के बाद में हम अगर ऐसी आयुर्वेदिक चीजें करते हैं या कुछ ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो उसे धीरे 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 ना अच्छे रिजल्ट्स आने लगते हैं। और कुछ एक पंचकर्म ऐसे होते हैं घर में जो अपना घर पे कर सकते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमको बॉडी में ऑयलिंग चाहिए रहती, तो आप फुल बॉडी ऑयलिंग भी करेंगे तो उसे जल्दी वात कम होता है। लेटरिन की जगह में लगातार तेल लगाने से भी ना काफी वात कम होता है। नाभि में लगातार तेल लगाने से भी वात कम होता है। कान में ड्रॉप डालने से वात कम होता है। नाक में ड्रॉप डालने से वात कम होता है। यहाँ पर जो भंवर रहता है वहां पर भी अगर लगातार आप ऑयलिंग करते हैं ना, तो इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और जो लोग, जैसे कोई कोई लोग रहते हैं जो तेल लगाना पसंद नहीं करते, तो उनको बोले कि हाथ के तलवों में, पैर के तलवों में, नाभि में, गुदा द्वार में, कान में, एटलीस्ट यहाँ पर ना लगाएं तेल, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलेगा। ये सब चीजें करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठियावाद बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को काफी ही ज्यादा पेन होता है। अब देखिए ये इमेज क्लियर है आपको? ओके, इमेज क्लियर है आप लोगों को? थम्स अप करके बता सकते हैं या चैट बॉक्स। ओके थैंक यू। देखिए अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, देखो एलोपैथी, एलोपैथी में ये बोला जाता है कि एक वायरल फीवर के कारण होता है। फीवर के जो सब्सटेंस है वो टॉक्सिन जमा हुआ होता है, उनकी थ्योरी अलग है। हम जब आयुर्वेद पे बात करते हैं तो आयुर्वेद में इसको आमवाद बोला गया है। आमवाद, आमवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, आम और वाद। आम का मतलब ये होता है कि कोई भी इनडाइजेस्टेड फूड, जैसे कि लेट अस सपोज मैंने अभी आज जो मैंने खाया है दोपहर में, वो मेरा डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है खाना, है ना, और फिर भी हम उसको ऊपर से खाना खा लेते हैं, तो वो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा आहार बनता है ना वो सड़ने लगता है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट अस सपोज आपने चावल चढ़ाए हुए हैं, राइट? हम चावल क्या चढ़ाते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम तेज आंच पे उसको उबाल लेते हैं। जब उबलने लगता है तब हम धीमी आंच कर देते हैं, राइट? अगर हम धीमी आंच में ही शुरू से चावल रखें तो क्या होगा, चावल पकेगा नहीं, ठीक है, गर्म हो के कुछ ऐसा वो खिचड़ी जैसा पदार्थ बन जाएगा। और जो हमको एक्सपेक्टेड है कि अगर हमको 10 लोगों के लिए चावल बनाने, तो वो कम से कम 15 लोग खा सकेंगे, उतनी क्वांटिटी बनेगी। तो आम भी वैसे ही होता है, जब आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव फायर या अग्नि कमजोर रहती है और आप चीजें खाने लगते हैं, तो क्वांटिटी में बहुत सारा एक मटेरियल बनता है जिसको आम बोला जाता है, और वो ना टॉक्सिन रहता है, और वो धीरे 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 ना विषवत या जहर जैसा काम करने लगता है। तो ये एक एक दिन में होगा ऐसा नहीं, आप अगर आप आज किए, हो सकता है कल ठीक हो जाए, परसों ठीक हो जाए, अगले दिन ठीक, लेकिन आप जब लगातार ये चीजें करते हैं तो टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। ये क्या करते हैं फिर, ये एक पहले तो पेट पे ही रहेंगे, आपको पेट में दर्द, भूख नहीं लगना, आलस दिन भर, सिर में दर्द, ऐसा दिखता है। फिर जब हम तब भी जब नहीं समझते, तो वो आगे बढ़ बढ़ के ना ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स होने के बाद में वो बोन्स तक पहुंचता है और दिक्कत देता है। अब देखेंगे इस इमेज में ना, इस पर्सन में 9 जगह पे रेड डॉट्स हैं, राइट? तो इस आपको आमवाद में सबसे पहले यही देखने को मिलेगा। आमवाद में क्या होगा, आपको जैसे संधिवाद में पेशेंट क्या बोलता है, मेरे को घुटने में ही दर्द है, आपको आमवाद में पेशेंट ऐसा नहीं बोलेगा,
वो बोलेगा सर कभी एड़ी में दर्द होता है, कभी यहाँ दर्द दे रहा है, कभी यहाँ दर्द दे रहा है, कभी कमर, मतलब वो स्पेसिफाई नहीं कर पाया कि उसको कहाँ पर दर्द है ना। उसको उसकी आप टंग देखेंगे ना, जीभ तो पूरी व्हाइट कोटेड रहेगी, पूरी जीभ कोटेड रहेगी, आंखों के नीचे यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर थोड़ी सी सूजन मिलेगी आपको, हल्की सी सूजन मिलेगी। उसके बाद आप उनसे पूछेंगे ना भूख लगती है, तो बोलेगा मैं खाना खाता हूँ। आप जब पूछे फिर से पूछेंगे आप जब भूख लगती है, भूख का एहसास है, तो बोलेगा नहीं मेरे को भूख का एहसास नहीं है, मैं 2 बजे तो खाना खा लेता हूँ, मैं 4 बजे तो खाना खा लेता हूँ, वो ये बात बोलेंगे। तीसरे दफा उनसे पूछेंगे लेटरिंग होती है, तो बताएगा नहीं मेरे को तो कब्ज की शिकायत है, मेरे को शुरू से है ना। या फिर उनकी आप पूछेंगे लेटरिंग कैसे, तो वो चिपचिपी लेटरिंग हो रही है ऐसा बताएंगे। और ये जब चीजें जैसे दूध खाएंगे, दही खाएंगे या बाहर खाना खाएंगे तो दर्द बढ़ेगा, बारिश होगी तो ये दर्द बढ़ेगा, ठंड होगी तो ये दर्द बढ़ेगा। तो ये आपको समझना है कि इसको आमवात का शिकायत है। तब हमको क्या करना है, तब हमको 2 स्टेजेस पे काम करना है। स्टेज 1 में हम पहले पाचन करेंगे, हम क्या करेंगे सबसे पहले उनको कफजहर चूर्ण और एलोवेरा देंगे, 40 ml एलोवेरा और कफजहर चूर्ण रात को सोते समय देंगे उनको है ना, और लूज मोशन होने देंगे, और उनको बोलेंगे सिर्फ मूंग दाल का पानी पीजिए 3 दिन तक के। 3 दिन तक एलोवेरा 40 ml और कफजहर चूर्ण 1 चम्मच रात को सोते समय देंगे, और सिर्फ मूंग दाल का पानी पीने बोलेंगे। और उनको बोलेंगे मूंग दाल का पानी भी तभी पीना है जब आपको भूख लग रही हो, अदरवाइज नहीं पीना है, राइट। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी। आप जब ना 3 दिन और उनसे बिल्कुल बने रहिए, आप उनसे बिल्कुल पूछ रही है हाँ अभी कैसे लग रहा है अभी, तो वो जैसे जैसे आप ना वो मूंग दाल का पानी पीते जाएंगे ना भूख में, तब आपको बताएंगे कि उसका जो आमवात है या गठियावात है वो ना धीरे धीरे ठीक हो रहा है बिना किसी मेडिसिन के। 1-1.5 दिन 2 दिन होने के बाद में आप उसको ऑर्थोपिक सॉइल हल्के हाथ से लगाने को लगाकर छोड़ देने बोलिए, तो वो दर्द कम हो जाएगा। अगर किसी को कई बार क्या होता है एक घुटना खराब हो गया रहता है आमवात या गठियावात से, फिर भी वो ना घूमते रहता है दर्द, कई बार आपको ये भी एक मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा कि एक घुटना पूरा खराब है, हम संधिवात समझ रहे हैं लेकिन वो रहता आमवात है, क्योंकि तो उसके सिम्टम संधिवात के हैं लेकिन पूरी जो बॉडी है ना आमवात का वो बता रही होती है। तो ये आपको ध्यान देना, वहां पर आपको तुरंत ये प्रोटोकॉल चालू करना है, एलोवेरा कफजहर चूर्ण रात को देगा, फिर लूज मोशंस कराने हैं, 4-5 लूज मोशन हो जाने दीजिए उनको, खाना जब भी भूख लगेगी, जब भी भूख लगेगी उनको सिर्फ और सिर्फ मूंग दाल का पानी पीने बोलिए, कुनकुना कुनकुना, उसमें वो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें चलेगा। इससे क्या होगा धीरे धीरे जब टॉक्सिन्स डाइजेस्ट होने लगेंगे ना तब उनको आराम आने लगेगा। इसके बाद में जैसे ही 2-3 दिन हो जाए उनका थोड़ा सा 30-40% दर्द कम हो जाता है, जैसे 30-40% दर्द कम हो गया ना आप उनको तुरंत क्लोव ग्रीन टी और अश्वगंधा चालू करिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्लोव ग्रीन टी एक सैचेट और 2 टेबलेट अश्वगंधा खाना खाने के पहले दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद ऑर्थोफिक्स टेबलेट 1 और 1 ओमेगा, ये दोनों दीजिए, ये दिन में पूरे 2 बार चलाइए, और कफजहर चूर्ण और एलोवेरा चलने दीजिए, बट डोज आधी 20 ml एलोवेरा और आधा चम्मच कफजहर चूर्ण ये कर दीजिए, और उनको हल्का आहार लेने बोलिए, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, खिचड़ी दाल रोटी है ना, इतना ही खाने बोलिए। क्यों, क्योंकि तो पेशेंट ऑलरेडी बहुत कुछ खा करके अपना पेट खराब कर चुका होता है, तो उसको हमको और ज्यादा खाना खिलाने की या ये करने की जरूरत नहीं है। ये जब आप लंबा चलाते जाएंगे ना धीरे 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 1-1.5 महीना चलाएंगे तो वो 80% ठीक हो जाता है। उसके बाद में आप बिचबेरी या सी बकथॉर्न या मल्टीविटामिन की टेबलेट है या वेजिटेबल टेबलेट है या कैल्शियम है, ये आप चला सकते हैं। इसमें क्या वो उनको उसकी हड्डियों को ताकत देगा, उसकी बॉडी को ताकत देगा, उसे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो ये हमको ध्यान देना है। अब देखिए हमने 2 चीजें देखी है, एक संधिवात एक आमवात, हम एक बार रिवीजन करते हैं। संधिवात में आपको पेशेंट थोड़ा हैवी मिलेगा, या तो हैवी मिलेगा बहुत मोटा मिलेगा, या तो एज मिलेगी, ये एक चीज मिलेगी मिलेगी। आमवात में ऐसा कुछ नहीं, आमवात किसी भी एज पे हो सकता है। दूसरा संधिवात में सिंगल ज्वाइंट भी अफेक्टेड रहेगा और वहां पर कट कट की आवाज आएगी और चलने पे ये बढ़ेगा। आमवात में ऐसा नहीं है, आमवात में एक ज्वाइंट अफेक्टेड भी हो सकता है या मल्टीपल ज्वाइंट में भी आपको दिक्कत आ सकती है, इसमें कट कट की आवाज बहुत बार नहीं आती है। इसमें आपको एक चीज देखेंगे, आप जब पेशेंट सुबह उठेगा ना उसको बहुत दर्द देगा, फिर जब वो 8-10 कदम चल लेगा, जब थोड़ा मूवमेंट कर लेगा ना तो उसका दर्द कम हो जाता है। ये टिपिकल एक लक्षण है आमवात का और संधिवात का। संधिवात में जैसे जैसे पेशेंट चलता जाएगा ना उसका दर्द बढ़ते जाता है,
जितना काम करेगा दर्द बढ़ता है। आम वाद में जितना काम करेगा ना दर्द कम होते जाता है। तो आम वाद वाले को आपको एक्सरसाइज भी बतानी है, उसका पसीना निकलना जरूरी रहता है। आम वाद में पसीना नहीं निकल रहा होता है। संधिवात में आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है, आम वाद में आपकी बॉडी कमजोर नहीं रहती है। संधिवात में आपको ताकत देने की जरूरत रहती है, आम वाद में आपको डाइजेशन की जरूरत रहती है। आपके जो टॉक्सिन है उसको डाइजेस्ट कराना पड़ता है ना। संधिवात में आप ताकत की चीजें खिला सकते हैं, आम वात में आप कुछ भी नहीं खिलाना रहता है, आपको सिर्फ मूंग दाल का पानी या खिचड़ी और दाल रोटी देना रहता है। ये दोनों चीजें सिमिलर होती है बट थोड़ी गिमिकी रहती है, इसलिए आपको पता नहीं पड़ता, तो आपको ध्यान देना है। संधिवात में कटकट की आवाज मिलेगी, डाइजेशन अच्छा मिलेगा, एक्सरे प्रॉपर ऐसा जुड़ा रहता है, डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए बोल चुका होता है। आम वात में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जीभ पूरी व्हाइट मिलेगी, उसको दिन भर आलस लगेगा, उसको काम करने का मन नहीं करेगा, मोटापा भी मिल सकता है, इवन तो डायबिटीज और थायराइड भी मिल सकती है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है कि जब ये एक्चुअली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आम वात का केस है, जो गठिया वात का केस है, ये ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है। खान पान अच्छा नहीं होने के कारण, चीज वगैरह जंक फूड जगहदार खाने के कारण नहीं ये दिक्कतें आती है ना। इसके बाद में एक चीज और हम यूजुअली देखते हैं, वो है गाउटी आर्थराइटिस। ये अभी अभी बहुत बहुत देखने को मिलता है। ये इमेज क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो देखिए अब इस इमेज में देखिए, सबसे ऊपर में एक फोटो बना हुआ है, ड्रिंक का है, फिर नॉनवेज है, फिर कैप्सूल्स हैं, और फिर वो ऐसा एक सर्कल बना हुआ है। इसमें क्या होता है, ये भी गठियावाद या आमवाद की तरह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर रहे होते हैं, जैसे अल्कोहल बहुत ले रहे हैं लोग, मछली बहुत खाते हैं लोग, पनीर वगैरह बहुत लेते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है कि लोग ना ज्यादा प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग। और जो लोग दोपहर में सोते हैं, जो लोग दोपहर में ज्यादा सोते हैं, उनको ये गाउटी आर्थराइटिस आपको मिलेगा ही। आप उसका यूरिक एसिड कराएंगे, यूरिक एसिड हाई आएगा, ESR आपको हाई मिलेगा। और सबसे पहली बात, उनके जैसे आप ये देख रहे होंगे ना, बिग टो लिखा हुआ है, जो पैर का अंगूठा है, मोस्टली लेफ्ट पैर का अंगूठा, या ऐसे उंगलियों के ये जो बोट्स हैं, यहाँ पर उनको बहुत तेज दर्द आएगा, बहुत तेज। और यहाँ पर जैसे कान के पास होंगे ये गुठलियां उनको देखने को मिलेगी, टोफाई जैसा ऐसा देखने को मिलेगा इस एरिया पे, यहाँ पर दिया होगा देखिए। तो ये चीज पिकुलर मिलती है, जब भी ऐसा पैर लाल हो, सूजन हो, आप तुरंत यूरिक एसिड ESR चेक कर रही है, अगर वो बढ़ा हुआ है हम उस दिशा में जाएंगे, राइट। वो इतना दर्द रहता है पेशेंट को, आपको टच नहीं करने देगा, वो पैर जमीन में रख नहीं पा रहा होता है। और अनलाइक संधिवात या आमवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि सुबह को दर्द कम है, वो दर्द दिन भर ऑल डे लॉन्ग रहेगा, वो पैर नीचे रख ही नहीं सकेगा, वो बहुत तकलीफ होगी। तो आपको ये ध्यान देना कि हाँ, ये आपका गठियावाद या गाउटी आर्थराइटिस है। और इसमें हमेशा हमेशा पेशेंट पेशेंट आपको दो तीन चीजें आपको मिलेगी, पेशेंट पैर लटका के नीचे बैठा रहेगा, या ज्यादा ड्राइव कर रहा होगा गाड़ी, या तो दिन में सो रहा होगा, या प्रोटीन पाउडर वगैरह ज्यादा ले रहा होगा, ये चीजें आपको देखने को ही मिलेगी। इसके साथ ही साथ उसके आपको स्किन डिजीज भी मिलेगी, बहुत बार यहाँ खुजली है, वहां खुजली है, पैर खराब है, पूरे रैशेस आ रहे हैं, फुंसियां हो रही है, ये चीजें आपको। और ये मोस्टली आपको दो सीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा, एक गर्मी में और एक अभी शरद ऋतु में, मतलब आप अप्रैल मई में और सितंबर अक्टूबर में, ये दो समय में आपको, इस 4 महीने में ये चीजें आपको ज्यादा देखने मिलेगी। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जब बॉडी में पित्त बहुत बढ़ जाता है, बहुत एलिवेट हो जाता है, तो वो होता है, वो आप जगह टच करके देखेंगे तो बहुत रेड और ऐसा गर्म लगेगा, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ गर्म रखा हुआ है, पूरी बॉडी ठंडी रहेगी, वहां पर बहुत गर्म रहता है। तो ये चीजें जब भी आपको मिले ना, सबसे पहले आप उसको बर्फ की सेकाई बोलिए, कुछ मत करने बोलिए, सीधा उसको बर्फ की सेकाई करने बोलिए दिन में 2 बार। और सिमिलरली टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कब्जहर चूर्ण और एलोवेरा दीजिए रात को सोते समय, और सिर्फ मूंग दाल का पानी पीने बोलिए 3 दिन। वो 3 दिन में स्टेबल हो जाएगा पेशेंट आपका, यूरिक एसिड कम नहीं होगा बट वो उसका दर्द कम हो जाएगा। बर्फ की सेकाई दिन में 2 बार करें, एलोवेरा और कब्जहर चूर्ण रात को लें, लूज मोशन करते जाएं, लूज मोशन करते जाएं, और
सिर्फ मूंग दाल का पानी पिए जब भी भूख लगे। 3 दिन इतना करेंगे, पेशेंट का दर्द कम हो जाएगा, पेशेंट बहुत स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही 3 दिन हो, फिर से एक बार यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए, यूरिक एसिड का रेशियो देखिए कितना ज्यादा है। अगर 5 से ऊपर है ना तो उनको अलर्ट करिए। बहुत बार क्या होता है 6.3, 6.4, कई बार 7.0, बहुत अलग अलग टेस्ट में अलग अलग रेशियो, लेकिन अगर 5 से ऊपर है ना तो उनको सोचना चाहिए कि वो बढ़ रहा होता है। हम ध्यान नहीं देते लेकिन वो बढ़ रहा होता है। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 2-3 स्टेजेस है। जैसे लेट अस सपोज 5 से 6 के बीच में है, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ गिलोय और तुलसी चलाइए। 2 ड्रॉप तुलसी, 2 टैबलेट गिलोय, दिन में 2 बार, खाना खाने के पहले। पूरी प्रोटीन की चीजें बंद कर दीजिए। आप नेट में सर्च करें, आपको लिस्ट मिल जाएगी। अल्कोहल नहीं लेना है, मछली नहीं खानी है, उड़दा दाल नहीं खानी है, गोभी नहीं खानी होती है, इवन तो दही नहीं खानी होती है, पनीर नहीं खाना होता है, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, राइट। इसके साथ में आप नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं। जिनको नींबू सूट करता है, वो सुबह उठ के बढ़िया कुनकुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के या 1/4 नींबू निचोड़ के भी रोज पियेंगे तो भी चलता है। उससे उनका ये गाउट कम होता है। अगर 7 से 10 के बीच में है और पेशेंट को दर्द है लेकिन वो चल पा रहा है ना, तो आप सीधे उसको बर्फ की सेकाई घोल दीजिए। सीबकथॉर्न 30 ml, 2 टैबलेट गिलोय, 2 ड्रॉप तुलसी, खाना खाने से पहले ये दीजिए। खाना खाने के बाद में एक ऑर्थोफिक्स और एक ओमेगा, ये चलाइए। इतना चलाइए और खाने में उनको मूंग खिचड़ी और दाल रोटी, मूंग की दाल और रोटी और खिचड़ी, इतना बस दीजिए। इतने में वो पेशेंट, इसमें कुछ तेल वेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इतना बस दे दीजिए उनको। इसके बाद में अगर पेशेंट बेड पे आ गया है, मतलब पैर पूरा काम करना बंद कर दिया, बहुत रेडनेस आ गई है, बहुत ज्यादा दर्द है, लाइक वो पैर रख भी नहीं पा रहा है, तो जैसे मैंने बताया 3 दिन एलोवेरा और कबझर चूर्ण दीजिए रात में सोते समय, 3 दिन तक मूंग दाल का पानी, दैट्स इट। इसके बाद में आप जो सेकंड स्टेज में सीबकथॉर्न, तुलसी और गिलोय और खाने के पहले और ओमेगा और ऑर्थोपिक्स खाने के बाद चालू कर, ये चलने दीजिए, और बर्फ की सेकाई चलने दीजिए, और डाइट आपको जो यूरिक एसिड की डाइट आती है वो करना है। इन तीनों, ये जब तीनों कर लेंगे तो काफी, मतलब काफी स्टेबल हो जाता है पेशेंट। और ये जब हो जाए ना 1-1.5 महीने का ट्रीटमेंट, तो उसको बोलना कि राइट हैंड से ब्लड डोनेट कर दे एक बारी, थोड़ा सा समय देख करके, और ब्लड डोनेट करने के बाद में भी थोड़ा खिचड़ी और दाल रोटी चलने दे, उसके बाद नॉर्मल डाइट में आ जाए। तो इससे क्या होगा, खून एक बार पूरा साफ हो जाता है, उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और कभी भी पेशेंट को जब बीमारी कोई भी बड़ी हो ना, तो उसे एटलीस्ट 6 महीने का समय लेकर रखें, है ना। बहुत बार हम टॉल क्लेम्स करते हैं, अरे मैं आपको चलने में चलवा दूंगा, दौड़ा दूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन आप ये देखें कि बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी 10 साल से है, वो 10 साल से झेल रहा है, तो हम कम से कम 1 साल लेंगे पूरा जड़ से खत्म करने में। 20 साल से, तो हम 2 साल लेंगे, उसका 10वां हिस्सा हम लेंगे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि तो वो इतनी अंदर तक घुसी रहती है बीमारी, हमको रूट तक जाने में दिक्कत जाती है। जैसे कोई बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, अगर आपको उसको काटना है तो आपको धीरे 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 पहले जड़ें हटानी पड़ती हैं, उसके बाद में ही आप कर सकते हैं। दूसरा, वो बहुत बड़ा एरिया लगता है, बहुत समय लगता है। वैसे ही बीमारी के साथ भी होता है, जब बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी रहती है तो आपको उतना समय देना पड़ता है। और देखिए ये जो चीजें है ना, आपको इजी पता पड़ेंगी। कैसे? आप सिर्फ दर्द है, दर्द देखिए, घुटना बोले घुटना चला, जैसे लेटर सपोज ये घुटना है, आप ये घुटने पर यहाँ हाथ डालिए, उसको चलाने बोलिए यूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कट 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 की आवाज कर रहा है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिवात है। यहाँ पर इसका तेल खत्म हो गया, हमको यहाँ पे तेल डालना है, तो आप जो हमने पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा था वो चलाएंगे। ऐसा करने के बाद में भी उसको महसूस नहीं हो रहा है तो थोड़ा दबा के देखिए। अगर दबाने पर दर्द बढ़ गया तो संधिवात आमवात है, दबाने पर दर्द कम हो गया तो संधिवात है ना। दबाने पे दर्द बढ़ता जा रहा है और दर्द दे रहा है तो वो आम बात है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसके यहाँ टॉक्सिन जमा है, जो दबाने पे हिलते डुलते तो दर्द बढ़ता है ना, तो ये हमको ध्यान देना। फिर अगर डाउट आ गया, अरे चलो संधि आम बात का तो डाउट आ रहा है, अब जीभ देखेंगे, जीभ देखेंगे, जीभ पूरी कोटेड मिलेगी। फिर भूख का पूछ रहे हैं, खाना कब खाते हो, हाँ मैं 3 बार खाता हूँ खाना, क्या खाते हैं, फिर वो बताएगा मैं दही खाता हूँ, मैं 1 बार मछली खाता हूँ, मैं 3 टाइम चावल खाता हूँ, चावल खाने के बाद बहुत सारा पानी पी लेता हूँ, तो ये सही नहीं है। उसके बाद में आपको जब भूख लगती है बराबर, उबलेगा नहीं लगती है, तब हमको ये ध्यान देना कि हाँ ये बराबर आम आदमी का पेशेंट है, पहले इसको टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करना है, वो फिर समझ में आएगा। और गाउटी आर्थराइटिस का पूरा आपको
जो प्रेजेंटेशन है वो ही अलग मिलेगी, एक पैर दर्द बढ़ जाता है, पूरा रेड हो जाता है, सूजन आ जाती है, वहां आप हल्के से भी टच करेंगे वो टच करने नहीं देगा, टच भी करेंगे तो रेड, एक तो रेड हॉट बोलते हैं ना, वैसा आपको दिखेगा भी और आप जब टच करेंगे तो गर्म भी लगेगा। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर इसकी पिक बढ़ गया है, आपको फिर गिलोय सीबकथॉर्न तुलसी ओमेगा और ये सब चालू करना है। तो इन चीजों का हमको ध्यान देना, और इसी प्रोटोकॉल से ही हमको तीनों चीजों को ठीक करना है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ कई बार क्या होता है हमको समझ में नहीं आता कि गाउटी आर्थराइटिस है कि संधिवात है कि आम बात है, तो वहां मैं बैठा हूँ 11:30 से 5:30 अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, आप अपने लेवल पे करिए, मेरी तरफ से पूरी छूट है, लेकिन जब भी फंसे ना तो मुझ तक पहुंचे ये बात, हम उस चीज को मिल करके ठीक करेंगे। एक दूसरी बात, मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप हमेशा ना प्रूफ के साथ चलिए, जब आप लाइक डायबिटीज हो, थायराइड हो, जो भी हो, जब एक रिटर्न में रहता है ना आपके पास, आपके पास प्रूफ रहता है कि आप पहले इस कंडीशन में आए थे, अभी इस कंडीशन में है। आप जब कई बार कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे भी हैं, वो मुझे बराबर लिख के भेजते हैं कि सर 57 साल उम्र है, इसको ये परेशानी, ये परेशानी, जो पेशेंट बोलता जाता है वो लिख के मुझे भेज देते हैं, तो मुझे भी काफी आराम आ जाता है। और फिर जब हम रिव्यू लेते हैं 15 दिन बाद उनका, तो हम खुद पूछते हैं कि भाई आपने हमको भेजा था, आपको 8 परेशानियां थी, अभी कितनी है, तो वो बताता है कि 6 हट गई हैं, 2 बची हैं, फिर हम उन 2 पर फोकस करते हैं। तो ट्रीटमेंट इसी हिसाब से होता है, इसी हिसाब से चलेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, नाम भी नहीं खराब होगा और अच्छा भी लगेगा। एक बात दूसरी, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये बात भी ध्यान देना जरूरी है। देखिए हम जब भी गुलाब तोड़ने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कांटा न लगते हुए हम गुलाब को तोड़ लें। हाँ कांटे में हाथ डाल के गुलाब को तोड़ना कहीं के भी समझदारी नहीं है, तो हम मेक श्योर कि आप सिर्फ गुलाब निकालें, कुछ कांटे रहते हैं उनको छोड़ देना ज्यादा बेटर है ना। ये हम सब ठीक कर लेंगे, कोई नहीं ठीक कर सकता, कुछ कुछ पेशेंट्स कभी ठीक नहीं होते हैं, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, और उन चीज को छोड़ देने में ही भलाई है। आप कभी करके देखेगा, जिनको हम छोड़ते हैं ना उनसे पूछेगा, वो सफर करते ही रहते हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सेशन अभी यही कंप्लीट होता है, कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी दे देता हूँ। जैसे हमारी कुछ मेडिसिन लॉन्च हुई है, बहुत पूछते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, एक मल्टीविटामिन लॉन्च हुई है हमारी, तो हम उसको मॉर्निंग में ही लेंगे। देखिए जब भी हम कोई भी ताकत की दवा लेंगे, लाइक मल्टी विटामिन हो, अश्वगंधा हो, शतावरी हो, हाई एनर्जी हो, जब हमको ताकत के लेना है तो हम मॉर्निंग में ही लेंगे। आप उठे, आपका पेशेंट उठा, नहाया धोया बढ़िया, सुबह सबसे पहले वो ले लेना है। क्यों? सुबह रसायन काल होता है आयुर्वेद के हिसाब से, और आयुर्वेद ये बोलता है कि जो भी ताकत की चीजें हम सबसे सुबह ले ही लें, उसमें सबसे ज्यादा हमको रिजल्ट्स क्या होता है कि उस समय बॉडी हमारी ना एक्टिव रहती है और फटाफट फटाफट वो डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है, क्योंकि और टाइमिंग हम जब धीरे 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 खाते जाते हैं ना, आप जैसे जैसे हमारी 9, 9:30, 10, 11 हमको भूख लगती है, हम खाते जाते हैं, तो एक डाइजेस्टिव प्रेशर रहता है हमारे बॉडी के ऊपर। अगर सुबह सुबह खा लेंगे ना चाहिए तो तुरंत असर आता है, रिजल्ट भी आते हैं, तो मॉर्निंग में ही आप ले लें। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ये पूछ रहे थे कि हमने मल्टीवेज जो हमारी एक वो टेबलेट हमने वो बनाई है, मल्टीविटामिन भी बनाई है और हाई एनर्जी भी है, अश्वगंधा भी, शतावरी भी है, तो इतनी ताकत की चीजें क्यों? देखिए मल्टी वेजिटेबल जो टेबलेट है वो बेसिक, जो लोग जैसे फील्ड, आप जैसे फील्ड वर्कर्स हैं या जो IT डिपार्टमेंट वाले हैं, जिनको भाई हेल्दी रहना है, वो हेल्थ मेंटेन करने के लिए, मल्टी विटामिन इसलिए है क्योंकि हम कई बार हमको स्पेसिफिक जरूरत रहती है, जैसे हम सियाटिक पेन में यूज करते हैं, है ना, या फिर बोलना चाहिए पैरालिसिस में यूज करते हैं, हमको स्पेसिफिक मल्टी विटामिन की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसी जगह जहां पर डाइजेशन का इशू है और हमको फिर भी ताकत चाहिए, वहां पर हाई एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। तो ये थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे। अभी तक कैसा है, हम एक चीज पे डील कर रहे थे तो हम वो उसको हर जगह तोड़ के यूज कर रहे थे, बट अभी हमारे पास ऑप्शन है तो हम अलग अलग ऑप्शन पे अलग अलग चीजें यूज करेंगे। सिमिलरली हम जब भी अश्वगंधा यूज करेंगे तो मोस्टली मेल्स में यूज करेंगे, शतावरी जब यूज करेंगे तो हम फीमेल्स में यूज करेंगे, तो इस चीज का हम ध्यान देंगे। थर्ड थिंग, अभी हमने एक लॉन्च किया ओमेगा, ओमेगा 369। अब ओमेगा 369 हम आपको 3 जगह एक साथ काम करते, जैसे आपको थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें वजन बढ़ जाता है, ये फूल जाते हैं, वहां पर ओमेगा काम करेगा। सेकंड थिंग, स्किन का कोई भी इशू है, स्किन के इशू में ओमेगा काम करेगा, मोटापा बढ़ा हुआ है वहां काम करेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जहां पर टॉक्सिन्स को हटाना है वहां पर ओमेगा काम करेगा। एक चीज और है,
जब भी आप देखें ना आंखों की कमजोरी की हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जाती है, यहाँ से ये आपके आईब्रो जहाँ खत्म हो रहा है वहां से इधर पीछे तक जाती है। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे तो नेट पर देखिए ऑप्टिक नर्व रूट करके, तो आपको ये समझ में आएगा। वहां पर ओमेगा को फोड़ देंगे, उसके जेल को अंदर का जो लिक्विड रहता है वो निकाल के यहाँ पर लगाएंगे ना, तो वो ऑप्टिक नर्व को नरिश करता है और उसे दृष्टि अच्छी बढ़ने लगती है और काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके साथ ही साथ आप उसको रिच बेरी पिलाते हैं और नाक में घी डालते हैं तो भी नजर पे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ थिंग हमने लॉन्च किया था कैल्शियम। तो कैल्शियम मैं मोस्टली 6 बजे ही यूज करता हूँ, शाम को 6 बजे आप 2 टेबलेट दे दीजिए, सबसे अच्छा है। सबसे बेस्ट क्या है, शाम आप जितना खाना है 2-3 बजे तक खा लीजिए, है ना, अपने पेशेंट को बता दीजिए शाम को 6 बजे 1 गिलास दूध और 2 कैल्शियम खा के बस हो गया, उसके बाद उसको कुछ मत खाने बोलिए। आप मिराकुलस चेंजेस देखेंगे अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में, या जो पेशेंट को वजन बढ़ाना है या जो पेशेंट को हाइट बढ़ानी है उसमें, अगर आप ये करके देखें, सुबह 11 बजे खाने बोलिए, दोपहर में फ्रूट खाने बोलिए और शाम को 6 साढ़े 6 बजे 1 गिलास दूध के साथ 2 कैल्शियम की गोली खाने को, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चाहे वो तेल कम हो गया हो घुटने का, चाहे हड्डियां बढ़ानी हो हाइट बढ़ाने के लिए, चाहे आर्थराइटिस का कोई भी केस हो, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। एक क्वेश्चन आया है सर जी, आंख के लिए कौन सी मेडिसिन, आंख के लिए रिच बेरी सबसे बेस्ट है। रिच बेरी आप पिलाइए, एज के हिसाब से 10, 20, 30, 40 तक आप पिला सकते हैं। नाक में देसी घी डालिए जो आंख तक पहुंचता है, और यहाँ पर आपका जो ऑप्टिक नर्व रूट रहता है वहां पर ओमेगा लिक्विड डालिए, उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें करेंगे तो धीरे 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 पेशेंट्स ठीक होने लगते हैं। मैं समझता हूँ जो लोग लगातार लेक्चर सुन रहे हैं ना उनको इम्प्रूवमेंट दिखता है हर बारी, हर मैं समझता हूँ हर वीकली एक इम्प्रूवमेंट दिखता है, और वो जब डील करते हैं ना पेशेंट, मुझे समझ में आने लगता है कि हाँ आप लोग उस बात को फॉलो कर रहे हो। मेरे पास जैसे रिपोर्ट्स आती है सब समझ में आ जाता है, तो मुझे ये भी लगता है कि आप लोग इस चीज को ध्यान देंगे तो आपको ट्रीटमेंट करना इजी होगा, क्योंकि तो आप लोग को जब समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ तो आप रिजल्ट दे पाएंगे। जब यही नहीं पता रहता ना कि देना क्या है या करना क्या है, तो वहां पर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर, वेट गेन करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। देखिए वेट गेन करने के लिए ना हमेशा हमको हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट खा लेना, इट्स ऑल अबाउट पचा लेना। मैं आपको 10 लीटर दूध पिला दूं और लूज मोशन हो जाए तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा, आप 1 लीटर दूध पीजिए और 1 लीटर पूरा पचा रही है तो दैट विल बी बेनिफिशियल। तो आपका जो भी पेशेंट वेट बढ़ाना चाहता है उसको पहले तो आप एक्सरसाइज करने लगाइए, एक्सरसाइज करने से भूख अपने आप बढ़ती है, साथ में लीविज दीजिए खाना खाने के पहले और HP+ दीजिए खाने के साथ में, तो वो क्या है वो फ्रूट अमलगम है HP+, वो उसके साथ में अच्छे से मिक्सचर बना करके पूरे डाइजेशन को स्मूथ बनाता है, एंजाइम्स को सीक्रेट कराता है और आपके बॉडी का वजन बढ़ने लगता है, और उसमें आपको धीरे धीरे धीमे धीमे 6-7 महीने में अच्छे रिजल्ट्स आपको आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि सी बकथॉर्न में भी ओमेगा है। देखिए कैसे रहता है, पूरे ड्राई फ्रूट का एक, जैसे मैंने एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट लिया उसमें काजू भी है किशमिश भी है बादाम भी है अखरोट भी है सब है, वो खाना और सिर्फ काजू खाने में फर्क है, वैसे ही प्लेन ओमेगा खाने में और सीबकथॉर्न वाला खाने में फर्क है। सिमिलरली जो पूछ रहे हैं रिच बेरी के साथ मल्टीविटामिन देना है, वो देखिए रिच बेरी में काफी सारी चीजें हैं, मल्टीविटामिन में आप जैसे मैंने बताया कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे मुंह के छाले हैं, पैरालिसिस का पेशेंट है, नर्वाइन इश्यू अगर आ रहा है तो वहां पर आपका मल्टीविटामिन काम करेगा। वैसे बहुत लोग होते हैं फीमेल्स में आता है वो बेलन लगाती है तो यहाँ पर दर्द दे देता है, तो आपको समझ में नहीं आता हम क्या करें, मल्टीविटामिन चालू कर दीजिए, 4-5 दिन मल्टीविटामिन लेंगे वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि फॉर अ टाइमिंग उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है तो दिक्कत आती ही है ना। तो ये धीरे छोटी छोटी चीजें हैं, हम लगातार नेक्स्ट वीक हम इस पे बात करेंगे, मेडिसिन पे बात करेंगे एक बार फिर से, तो और अपन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं हर बार ये बोलूंगा आप जब पेशेंट से ना बात करें, बस कई बार पेशेंट से बात करने में ही आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार इसको कुछ और ही परेशानी है, इसको ये चीज देना चाहिए करके, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी फिर भी कुछ लगे तो 11:30 से 5:30 में अवेलेबल हूँ, उससे बात करेंगे, मिलकर ट्रीटमेंट करेंगे। तब तक के आप सभी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से दिवाली की तैयारियां कीजिए, राइट।
ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।